वेलकम टू ऑनलाइन रिसर्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी लेडीज प्रॉब्लम के बारे में जो काफी कॉमन है और उसे काफी परेशानी होती है, लेकिन लेडीज इस बारे में कम बात करती हैं और अकेले ही इस परेशानी से लड़ती रहती हैं। नॉलेज के लिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। लेडीज में भी चिपचिपा पानी या सफेद पानी की प्रॉब्लम होती है, जिसे ल्यूकोरिया के नाम से जाना जाता है। ल्यूकोरिया को सामान्य भाषा में सफेद पानी या श्वेत प्रदर भी कहा जाता है। यह स्त्रियों में होने वाली एक आम बीमारी है। इसमें योनि से सफेद रंग का गाढ़ा और दुर्गंध युक्त पानी निकलता है। किसी तरह का इन्फेक्शन होने पर स्राव पीले, हल्के नीले या हल्के लाल रंग का और बहुत चिपचिपा एवं बदबूदार होता है। ल्यूकोरिया का उपचार न करने पर महिला का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। इसके कारण प्रजनन अंगों में सूजन आ जाती है। ल्यूकोरिया की पहचान इन लक्षणों से की जा सकती है: योनिमार्ग में तीव्र खुजली एवं चुनचुनाहट होना, कमर में दर्द बना रहना, कमजोरी महसूस होना एवं चक्कर आना, बार बार पेशाब आना और पेट में भारीपन बना रहना, भूख न लगना एवं जी मिचलाना, आँखों के नीचे काले घेरों का पड़ना, थोड़ा सा मेहनत करने पर भी आँखों के सामने अंधेरा छा जाना एवं कभी कभी चक्कर आना, पिंडलियों में खिंचाव एवं शरीर भारी रहना, चिड़चिड़ापन रहना। मासिक धर्म में पहले या बाद में थोड़ी मात्रा में सफेद पानी बहना सामान्य बात है, लेकिन अधिक मात्रा में नियमित रूप से पीला या नीलापन लिए स्राव आने लगे तो ये कारण हो सकते हैं। अविवाहित महिलाओं में यह पोषण की कमी, योनि की अस्वच्छता, खून की कमी और तला हुए तेज मसालेदार भोजन, असामान्य यौन संबंधों से होने वाले संक्रमण के कारण, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होने के कारण, तनाव एवं अत्यधिक मेहनत करने के कारण। हमें ये बात समझनी है कि जब तक ये प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, ये परेशानी बढ़ती चली जाती है, इसलिए इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस परेशानी का इलाज आयुर्वेद में संभव है और काफी कम टाइम में ही इस सफेद पानी की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। ऐसी ही एक आयुर्वेदिक औषधि का नाम है ल्यूको30DS। इस औषधि में डलने वाली जड़ी बूटियां हैं यष्टिमधु, पिपलामूल, शिग्रु, सुपारी, नागकेसर, अशोक छाल, दशमूल, जटामासी, त्रिफला, शतावरी, अनंतमूल, चंदन, कौंच बीज, अश्वगंधा, गोक्षूर, लोधरा। यष्टिमधु शरीर से एसिड को निकलता है और पेट की लाइनिंग को दुरुस्त करता है। पिपलामूल में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक गुण होते हैं। पीपली के चूर्ण के सेवन से पाचन तंत्र में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया खत्म होते हैं। शिग्रु जोड़ों में सूजन समर्थक रसायनों के स्राव को सुगम बनाने वाले प्रमुख एंजाइमों को लक्षित करके जोड़ों की सूजन और दर्द को दबाने में मदद करता है। सुपारी का सेवन करने से पेट की गंदगी मल द्वारा बाहर निकल जाती है। नागकेसर एक प्रसिद्ध जड़ी बूटी है, जिसका इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर के इलाज के लिए किया जाता है। लिकोरिया और पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग के लिए भी इसे रिकमेंड किया जाता है। अशोक छाल पीरियड्स में होने वाले दर्द को खत्म करता है, चेहरे को क्लीन रखता है और माहवारी के समय होने वाला कष्ट हो या सफेद पानी की समस्या, दोनों में ही यह लाभकारी है। दशमूल खाने से दिल के दर्द, हृदय शूल, श्वास, दमा, खांसी, हिचकी और पेट में गैस के गोले आदि रोग समाप्त होते हैं। शतावरी घाव भरने में मदद करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथियोन होता है, जो मुहासे को रोकने में मददगार है। इसके इस्तेमाल से स्किन चमकदार बनती है, यह झुर्रियों को दूर करती है। लोधरा आँख, कान, मुंह और स्त्री रोगों आदि के लिए रामबाण का काम करती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काफी आम समस्या है। गोखरू में मौजूद कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो इस समस्या को कुछ ही पल में ठीक कर देते हैं। इसी तरह की अन्य जड़ी बूटियाँ इस दवा में मौजूद हैं, जिसका नाम है ल्यूको30DS। यह 100% आयुर्वेदिक औषधि है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को दूध के साथ लिया जाता है। ल्यूको30DS अमेज़न पे उपलब्ध है या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप द्वारा संपर्क करके मंगवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी द्वारा 4 से 5 दिन में कुरियर द्वारा आ जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को सेव कर लें और शेयर भी करें। वीडियो से मिली जानकारी हमेशा आपके काम आती है। कृपया वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।